हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आइकॉनिक इंग्लिश। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सपोर्ट अस, कीप शेयरिंग अस फॉर मोर सच। हेलो, वेलकम बैक गाइस। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं पोइट्री की सीरीज़, और क्लास ट्वेल्थ की सारी पोइट्री हम इसमें कवर करेंगे। उसके बाद वन बाय वन इलेवेंथ और टेंथ की भी शुरू करेंगे। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट पोएम से, जिसका नाम है माय मदर एट 66। कमला दास ने लिखी है ये पोम, और इसमें उन्होंने अपनी मदर के बारे में बताया है जिनकी एज 66 हो गई है, और उनके फिजिकल अपीयरेंस और उनसे पार्ट होने का जो दुख है, नॉस्टैल्जिया है, वो बताया गया है इस पोम में। तो हम लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन करेंगे और लास्ट में मैं आपको उसके वर्ड मीनिंग्स भी दूंगी। तो शुरू करते हैं गाइस। फर्स्ट इज, शुरू की कुछ लाइन्स हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, दिस इज कोचिन गाइस, टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। इन दीज लाइन्स गाइस द पोइटेस एक्सप्लेन्स दैट वंस शी विजिटेड हर पेरेंट्स हाउस इन कोचिन। कोचिन इज इन साउथ इंडिया एज यू ऑल नो। It was a Friday when she was driving back to the airport. Her mother was sitting beside her at the back of the car. The poet looked at her mother and then doze ka matlab hota hai guys sona, nap lena, sona. Uske baad open mouth, her face ashen ka matlab hota hai peela pad jana, like that of a corpse. कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी, एंड रियलाइज विद पेन। तो यहाँ पे वो क्या कहना चाह रही है गाइस, दैट शी सॉ दैट हर मदर वॉज स्लीपिंग एंड हर माउथ वॉज ओपन। उसने देखा कि उसकी जो मदर थी वो नैप ले रही थी, यानी कि सो रही थी, उनका मुंह जो था वो खुला था। शी फर्दर एक्सप्लेन्स दैट द कलर ऑफ हर मदर्स फेस वॉज लाइक दैट ऑफ ऐश। यहाँ पे ऐश का मतलब है कि स्मोकी सा अपीयरेंस था उनके फेस पे, और वो बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह लग रही थी। ओके गाइस, इसके बाद कुछ लाइंस हैं, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। प्रिंटिंग का मतलब होता है गाइस बहुत तेज भागना, बहुत तेज़ मूव होना। हम कार से बाहर जब देखते हैं तो हमें ये दिखता है ना कि ट्रीज़ जो हैं वो बहुत तेज़ तेज़ भाग रहे हैं, उसी को स्प्रिंटिंग ट्रीज़ बोला जाता है। स्पिलिंग आउट यानी कि बाहर निकलना। सो हेयर गाइज द पोइटेस रियलाइज दैट हर मदर हैड ग्रोन ओल्ड। शी फेल्ट पेन फॉर हर, बट सून शी ट्राई टू गेट रिड ऑफ द सैड थॉट बाई डाइवर्टिंग हर थॉट्स टूवर्ड्स द ट्रीज आउटसाइड। और ट्रीज़ के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि बहुत तेज़ भाग रही हूँ। शी ऑल्सो सॉ चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ देयर हाउसेज इन टू द प्ले ग्राउंड। ऑल दीज थिंग्स आर फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी कॉन्ट्ररी टू हर मदर हु सैट नेक्स्ट टू हर। कॉन्ट्ररी टू हर मदर मीन्स कि एक तरफ तो उसकी मदर थी जिसमें बिल्कुल भी जान नहीं थी, बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, और एक तरफ जब वो बाहर देखती है तो वहाँ पर फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी थी। इसके बाद है गाइज, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वॉन पेल। वॉन का मतलब होता है वीक हो जाना, पेल का मतलब होता है डल, कलरलेस, वीक एज लेट विंटर्स मून। यहाँ पे वो अपनी मदर का जो फेस है वो एक लेट विंटर्स मून, यानी कि विदाउट एनर्जी, विदाउट लाइफ, डल, बहुत ही वीक सा, उस मून से कंपेयर कर रही है। ओके, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फमिलियर एक यानी कि पेन, माई चाइल्डहुड्स फियर, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। अम्मा मदर को बोला जाता है साउथ इंडिया में। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और उसके बाद कुछ टॉट्स। तो गाइज द पोइट कंपेयर्स हर मदर टू अ लेट विंटर्स मून, एज द मून इन विंटर्स इज नॉट शाइनी एंड इवन हर मदर्स फेस हैड ऑल्सो लॉस्ट हर यूथ एंड शाइन। एज हर मदर वॉज गेटिंग ओल्डर एंड वीकर,
The poet feels the fear of separation just as she used to feel during the childhood. भाई फील करती होगी वो पहले के टाइम पे, और पहले के टाइम पे वो अपना अपनी मदर से सेपरेशन बर्दाश्त नहीं कर पाती होगी, बट अब जब वो मरने वाली हैं, द पोइट फील्स दैट मे बी दिस इज़ द लास्ट टाइम दैट शी इज सीइंग हर मदर. तो जाते जाते वो अपना पेन जो है वो छुपाती है और अपनी मदर को पार्टिंग वर्ड्स क्या बोलती है, सी यू सून अम्मा. तो उनको वो दिलासा दिलाती है कि आई विल सी यू सून. शी सेज सो बिकॉज शी डजंट वॉन्ट टू लूज हर मदर. ओके, सो ये था गाइज इस पूरी पोम का समरी लाइन बाय लाइन मीनिंग. आई होप आपको समझ आया हो. इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स इस पोम के आपको दे दिए हैं. आई होप आपको वैसे तो मैंने पोएम के बीच में ही आपको ये सब कुछ समझा दिए थे, बट स्टिल अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो ले सकता है. इसके अलावा गाइज यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है रेपिटिशन, स्माइल स्माइल स्माइल. और इसके अलावा इस पोएम में यूज़ किया गया है सिमिली, जहाँ वो अपनी मदर का फेस जो है वो लेट विंटर्स मून से कंपेयर करती है. ओके, और अपनी फेस का जो मदर का जो फेस है उसका कलर जो है वो एक कॉर्प से भी, एक डेड बॉडी से भी कंपेयर करती है. तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और आगे भी इस तरह की वीडियोज़ आती रहेंगी. कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप बींग इन टच. थैंक यू गाइज़.